राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली को जोड़कर जल्दी बनने वाले टाइगर रिजर्व में सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य से टाइगर T-136 ने धौलपुर जिले के जंगलों में दस्तक दे दी है। टाइगर T-136 जिले के वन विहार और बाबू की खोह में कैमरे में कैद किए गए हैं, जिससे धौलपुर के जंगलों में टाइगरों की संख्या 5 हो चुकी है। धौलपुर के लिए यह सुखद खबर है कि रणथंभौर के टाइगरों का अब धौलपुर का जंगल रास आने लगा है और प्राकृतिक आवास तलाशकर अपना ठिकाना बना चुके हैं। खास बात यह है कि रणथंभौर अभयारण्य से अन्य टाइगर रिजर्व में टाइगरों की शिफ्टिंग की जा रही है, और लेकिन रणथंभौर अभयारण्य के टाइगरों को धौलपुर के जंगल पसंद आ रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक बाघ T-136 रणथंभौर की बाघिन T-102 का शावक है। उसकी उम्र करीब 2.5 साल है। मैं किशोर गुप्ता, BFO धौलपुर। अभी हमारे यहाँ पर सवाई माधोपुर से करौली होते हुए टाइगर T-136 धौलपुर जिले में आ गया है। वो महाराज की खो वन विहार रेंज में अभी तक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पहले से 4 टाइगर हैं। इस तरह इस भरत धौलपुर संभाग में 5 टाइगरों का कुनवा हो चुका है, और उम्मीद है ये कुनवा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर वनस्पति टाइगर के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ की जो चंबल रिवर है, यह टाइगर के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी और ये टाइगर रिजर्व के लिए एक वरदान रहेगा।